मैकेनिक का सवाल नहीं है सर, हाँ मैकेनिक का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि पेट्रोलिंग गाड़ी को सूचना नहीं दी गई। नहीं अगर पेट्रोलिंग को पंचर की जगह कोई मर जाता वहां तड़प तड़प के, तो सूचना क्या नहीं दी जाती? नहीं, सूचना वो तुरंत पहुंच जाती है नहीं सर। पहुंची, यही तो दुख था कि नहीं पहुंची। इसी समस्या में फंस गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो मैं इस आपातकालीन नंबर पर फोन करूंगा, हाँ तो जब मैं आपको फोन करूंगा तो आप क्या करेंगे? आपका दायित्व, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं तड़प तड़प के मर जाता, तो आप लोग किसी भी पेट्रोलिंग गाड़ी को सूचना तक नहीं देते हैं आप लोग? अब कोई रहा होगा सर, सूचना वैसे दे दीजिए, हमारी पेट्रोलिंग टीम पहुंचती है जी, तो मैं, और जो जिस हिसाब से रहता है अगर आप बता देंगे तो उस हिसाब से आगे सोचा यही तो समस्या सर कि पेट्रोलिंग कार मेरे पास नहीं, लखनऊ तक लेकर चला जाऊंगा, लेकिन पेट्रोलिंग गाड़ी आनी चाहिए थी, कंट्रोल रूम को सूचना देना चाहिए था कि नहीं सर, बस ये जानना चाह रहा हूँ। आज क्या है सर, यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज अभी वर्षा में, जो इनके हैं इंचार्ज, इनको अभी हम लोग लिख रहे हैं, तुरंत इनकी कंप्लेन एक लिखो जरा और उनको फोन लगाओ जरा, आपसे एक अभी लिखवा रहे हैं, आपका नंबर दिया गया तो ऐसा क्यों है, इन्होंने पैसा क्यों जाना? पेट्रोलिंग का अभी हम कह दें कि पंचर है, जाके जरा दिखवा लो, तो कहेंगे कि हमारा काम थोड़ी, हम तो ट्रैफिक देखते हैं। अच्छा अब आज जैसे आप मिल गए तो वो मेरिट बढ़ाने लगे कि नहीं 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 अगर हमको बताया गया होता तो हम आपको लादते। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, 79 माइलस्टोन पर मेरी गाड़ी पंक्चर हुई थी, हाँ मैंने आपको फोन पर सूचना दिया था हमको, जी, इसी नंबर पर मैंने सूचना दिया था, अच्छा कोई और रहा होगा कोई अभी, रहा होगा सर, लेकिन दुर्भाग्य है सर कि ना तो कंट्रोल रूम को मेरी समस्या बताई गई और ना ही मेरी समस्या अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में जो पेट्रोलिंग करने वाले लोग हैं उनको बताई गई। नतीजा है कि 5 से 6 किलोमीटर मुझे अपनी गाड़ी पैदल लेके आना पड़ा और वहां आप ही के पास से मुझे प्राइवेट व्यक्ति का नंबर दिया जाता है जो 600 रुपए मुझे पंक्चर बनाने का मांगता है। मैं वो एक जनरल, प्राइवेट मैकेनिक का नहीं दिया गया होगा, वो यहाँ मैकेनिक काम करते हैं उन्हीं का नंबर दिया गया तो सर होगा। वो 600 रुपए मांगेगा क्या? अब वो कितने, वो 10 रुपए आने का, 10 रुपए जाने का लेते हैं और टोल का लेते हैं, सर अगर बनवाने का मैं लेते हैं। 79 माइलस्टोन पर खड़ा था तो फिर वहां से पंचर बनाने वाले कितनी दूरी पर थे? अब वो 50 किलोमीटर की रेंज में लोग रहते हैं, 50 किलोमीटर की रेंज से अपना जो जो भी लोग रहता है वहीं से भेजते हैं लोग। आपका कंट्रोल, आपके कंट्रोल रूम में जो रहने वाले लोग हैं, अभी जब मैं अपनी पैदल गाड़ी लेकर मैं उनके पास पहुंचा हूं और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको पहले तो कोई सूचना नहीं दी गई। मेरे पास कम से कम सूचना जाती तो पेट्रोलिंग गाड़ी आती, मेरी मदद करने की कोशिश करती। पेट्रोलिंग क्या वो इसमें ब्रेकडाउन वाली में वो जो मैकेनिक लगे रहते हैं वही लोग करते हैं, तो उन्हीं को सूचना दे दी जाती है लेकिन नंबर। सर वो भी नहीं आए मेरे पास, हाँ तो वो नहीं आए तो इस चीज का और वो बहुत साफ कह रहे है। हैं, जब मैं गाड़ी पैदल लेकर उनके पास तक आया तो साफ कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग गाड़ी वाले बता रहे हैं कि हमारे पास सूचना नहीं आई है और वो आपके इसी नंबर पर फोन करके बात कर रहे हैं। मेरी सूचना क्यों नहीं दी गई सर? मैं अगर मेरी मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं तड़प तड़प के मर जाता, तो आप लोग किसी भी पेट्रोलिंग गाड़ी को सूचना तक नहीं देते हैं आप लोग? अब कोई रहा होगा सर, सूचना वैसे दे दी जाती है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं सर, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूं। मैं लखनऊ एक कवरेज के लिए, महत्वपूर्ण कवरेज के लिए जा रहा था, मैं 5 किलोमीटर से अपनी बाइक को पैदल घसीट कर मैं आपके पेट्रोलिंग गाड़ी के पास मैं खोज कर आया हूं। सर आप लोग अगर चाहते तो वहीं से सीधा एक मैसेज अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करते और वहां से आपकी पेट्रोलिंग गाड़ी मेरे पास मदद करने आ जाती। नहीं ये जो है ब्रेकडाउन वाले जो रहते हैं इनका नंबर दिया गया था आपको? सर मुझे जो नंबर दिया गया था जब मैंने उनसे बात करा तो उन्होंने कहा कि मैं मैकेनिक को नंबर दे रहा हूं और मैकेनिक मेरे पास फोन करता है, वो कहता है कि 600 रुपए आपका लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप 600 रुपए लगते, लेकिन मैं मैकेनिक मुझे नहीं जरूरत थी, मुझे उस वक्त पेट्रोलिंग गाड़ी मेरे पास आनी चाहिए थी सर, कंट्रोल रूम को सूचना जानी चाहिए थी आपके पास से। असल में क्या होता है हम आपको बताएं, जी जो कार का पंचर होता है वो ये लोग गाड़ी लेके आते हैं बनाते हैं, ठीक जी है, और बाइक के लिए वो जो है मौके पे अपना, अगर जैसे पास में रहते हैं, अगर जैसे आपको चार्ज ज्यादा लग रहा था तो वो बोलते हैं भाई आप अपना किसी तरह से आगे पीछे करके अपना कोई नजदीक आ जाइए, क्योंकि वो भाई आते हैं पूरा कार वाला सिस्टम लेके आते हैं। अब कार का आपको बताएं, उनका कार का ऐसे 300 रुपए है पंचर का शायद। सर मैं तो मेरी आप मेरी क्या गाड़ी वो पंचर बनाते तो मैं उसका पैसा देता, उसमें कोई नहीं, दिक्कत वो नहीं बात थी। ठीक है आपकी बाइक का है, पहली चीज तो बाइक का पंचर वो लोग जल्दी बनाते नहीं है हाँ, जो है इस पे, ठीक है तो बाइक सर का फिर क्या रहता है? सर मेरी बात समझिए ना सर, आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, नहीं, मैं 140 रुपए टोल दिया हूँ। अगर बाइक का पंचर बनाने की सुविधा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नहीं है तो फिर बाइक को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने क्यों दिया जाता है सर? ये सवाल है कि नहीं है? अब
अभी इस चीज का देखिए, अभी क्योंकि पूर्वांचल ये नया बनाया, अभी इस पे रोका नहीं गया पूरी तरह से, हमारे कैमरे अभी चालू नहीं है जी, अन्यथा बाइक का इस पे चलना वर्जित है, समझ रहे हैं आप जी, क्योंकि ये गाड़ियों के लिए है। अभी आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे बाइक वालों को वो लेते ही नहीं है। नहीं नहीं सर, लेकिन अभी तो लिया जा रहा ना सर सुविधा, तो अभी जब टोल लिया जा रहा, टोल अभी लिया जा रहा तो सुविधा अभी तो देनी चाहिए ना, जब बंद हो जाएगी तब देखेंगे। टोल की आप जो बात कह रहे हैं वो आप टोल जो है चलने का दे रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे आप जो सुविधा ले रहे हैं बिना जाम के, बिना किसी उसके। चलिए मैं सर मान रहा हूँ सर, मैं एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ अपना, कि सर अगर मैं किसी समस्या में फंस गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, तो मैं इस आपातकालीन नंबर पर फोन करूंगा, तो जब मैं आपको फोन करूंगा तो आप क्या करेंगे, आपका दायित्व क्या होगा? अगर देखिए आपातकालीन, मान लीजिए आपके साथ दुर्घटना हुई है, कोई वैसी बात हुई है, तो मौके पे हमारी पेट्रोलिंग टीम पहुंचती है जी, और जो जिस हिसाब से रहता है अगर आप बता देंगे तो उस हिसाब से आगे। यही तो समस्या सर कि पेट्रोलिंग कार मेरे पास नहीं पहुंची, और जब मैं सर मेरे माफी चाहता हूं सर, जब मैं खुद 5 किलोमीटर बाइक पैदल लेकर आया, पेट्रोलिंग गाड़ी खोजा मैंने, मैं लखनऊ नहीं गया हूं आज यहीं खड़ा हूं मैं, और मैं खोज कर पेट्रोलिंग गाड़ी पास आया हूं, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास कोई सूचना नहीं आई आपके पास से, आप बताइए सर मेरी जगह, मेरा तो टायर पंक्चर हुआ था, मेरा सर फट गया होता तो तब भी सूचना आपके पास से नहीं आती इनके पास, और ये लोग मेरे पास नहीं पहुंच पाते, मैं मर जाता वहां पर। सर डेली यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और आदमी जो है तुरंत तत्काल, मैं मानता हूँ आप करते होंगे सर, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। नहीं बात, मेरी क्या गलती थी, कोई दुश्मनी थी क्या मुझसे? आपका बात तो सुनिए पहले, आपका केस पंचर वाला रहा तो आपको मैकेनिक का नंबर दे दिया गया होगा, अब उसने आपको जो है चार्ज बताया होगा आपको महंगा, असल में बाइक वालों को चार्ज महंगा ही लगता है, क्योंकि बाइक आप चलाएं चाहे कार चलाएं, वो चार्ज जो है अपना आने का जाने का। सर मैं पैदल लखनऊ तक लेकर चला जाऊंगा, लेकिन पेट्रोलिंग गाड़ी आनी चाहिए थी, कंट्रोल रूम को सूचना देना चाहिए था कि नहीं सर, बस ये जानना चाह रहा हूँ। आज क्या है सर, यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज था हमारे यहाँ। देखिए प्लीज सर देखिए ना सर, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपने काम से जा रहे थे, मेरा पूरा दिन खराब हुआ आज। काश अगर आपकी पेट्रोलिंग गाड़ी वालों से जब मैंने बात करी ना, तो उन्होंने कहा सर अगर मुझे सूचना आई होती तो मैं वहां खड़ा होता, और आपकी आपका टायर खोलकर या आपकी गाड़ी में अपनी गाड़ी पर लाद कर मैं टोल प्लाजा तक ले आता, और इसके बाद कुछ न कुछ आपकी मदद की जाती। इतना वो लोग करते सर, वो लोग खुद कह रहे हैं। नहीं वो तो करते, लेकिन अब आज हमारे यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज भी था, तो हो सकता है कोई ड्यूटी रहा होगा। अब बताइए सर, आप लोगों के यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज था, और मैं सर 60 किलोमीटर से इस टोल प्लाजा पर आने के बाद लखनऊ नहीं जा पाया, और मेरा काम आज रुक गया, आप बताइए कौन जिम्मेदार है? आपको दिया गया था ना। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर। सर आप लोग अपनी ड्यूटी मुझे पता ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ईमानदारी नहीं की गई है। नहीं मैकेनिक का जैसे नंबर जो दिया गया था तो मदद तो वही लोग करेंगे, पेट्रोलिंग पहुंच के भी मौके पे वो बता जरूर रहे होंगे, लेकिन उस तरह से काम नहीं होता है। असल में पेट्रोलिंग गाड़ी का काम सिर्फ इतना है। सर मेरे ही फोन से, सर प्लीज सर आप बुरा नहीं मानिएगा, मेरे ही फोन से इसी नंबर पर आपके पेट्रोलिंग कार में बैठने वाले व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हैं, और साफ कह रहे हैं कि सर आपके यहाँ से जब सूचना दी गई तो 80 पर पंचर बनाने वाला खड़ा था और 600 रुपए मांग रहा था। सर उन्होंने साफ कहा है सर ये लोग बहुत लूट कर रहे हैं रोड पर। सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, आपका पेट्रोलिंग करने वाला व्यक्ति स्वयं बात कह रहा है कि 600 रुपए लोग मांग रहे हैं, बहुत लूट कर रहे हैं लोगों से, जब 40-50 रुपए का काम हो जाता तो आखिर 600 रुपए की बात क्यों की गई मुझसे? आपका जो मैकेनिक है उनसे हम आपकी डायरेक्ट बात करा देते हैं ना, कि 80 जो आप बता रहे हैं 82 से क्यों नहीं वो पहुंच पाए, हो सकता मैकेनिक वहां नहीं रहा होगा कि या कोई और दूसरी गाड़ी में व्यस्त हो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लेकिन सर पेट्रोलिंग गाड़ी आनी चाहिए थी, अपना दायित्व आपको निभाना चाहिए था, बस मैं इतना जान रहा हूँ। आप सूचना दे देते, पेट्रोलिंग गाड़ी मेरे पास नहीं आती, पेट्रोलिंग गाड़ी की जिम्मेदारी होती, लेकिन सूचना नहीं आई, ये दुखद है। नहीं बात ये है कि मैकेनिक ही, क्योंकि आपका गाड़ी ब्रेक डाउन है समझिए, और जो है मान लीजिए हमारे यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज भी था तो यातायात भी देखना बहुत जरूरी था ना सर, तो इसलिए आपकी बाइक पंचर रही होगी, डायरेक्टली आपको नंबर दे दिया गया होगा जो मैकेनिक काम करते हैं इस पे। कोई बात से मैकेनिक नहीं आया, इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है वो दूसरी गाड़ी के उसमें गया होगा, तो नहीं मैकेनिक आने के लिए तैयार थे, मैकेनिक को मैंने नहीं, सर मैकेनिक का सवाल नहीं है, सर मैकेनिक का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि पेट्रोलिंग गाड़ी को सूचना नहीं दी गई। नहीं अगर पंचर की जगह कोई मर जाता वहां तड़प तड़प के तो सूचना क्या नहीं दी जाती? नहीं सूचना वो तुरंत पहुंच जाती, नहीं पहुंची, यही तो दुख था कि नहीं पहुंची सूचना। पेट्रोलिंग का कोई जैसे दुर्घटना आपातकालीन होता हम लोग उसको कभी कभार तभी भेजते हैं, पंचर वंचर में सर जो है इस वजह से नहीं दी गई होगी, कि पंचर रहा होगा आपको मैकेनिक का नंबर। क्या बात है सर,
कोई अस्पताल में मर रहा होता और मैं मुझे ब्लड देना होता तो क्या तब से इमरजेंसी नहीं होती सर? मैं एक्सपोज करी जैसे रहे होंगे उसमें बता दिए होते कि हमको कोई बात नहीं सर। बात ये है कि जब जिसको काम जब करना नहीं होता तो ऐसे कहता है हमको बताया नहीं, हम कर दिए होते। अब जिसको करना पड़ता है वो दुनिया। देखिए सर, ये तो आप जाने या मैं जाने, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं था सर। आपको देखिए पेट्रोलिंग का अभी हम कह दें कि पंचर है जाके जरा दिखवा लो तो कहेंगे कि हमारा काम थोड़ी, हम तो ट्रैफिक देखते हैं। अच्छा अब आज जैसे आप मिल गए तो वो मेरिट बढ़ाने लगे कि नहीं 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 अगर हमको बताया गया होता तो हम आपको लादते ले जाते। मैं आपकी बात पूरी सर सहमत हूँ सर। वो बता दें आपसे फौजी छूटते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं पूरी बात आपकी मैं सब सहमत हूं सर, लेकिन इसमें आपकी पेट्रोलिंग गाड़ी, आपका कंट्रोल रूम और आप में मेरा क्या दोष था? सुनिए, मेरा आपका कुछ नहीं कर पाया और न कर पाएंगे हम लोग। सुनिए हमारी बात जी। हम लोग जो है अभिवर्तक जो इनके हैं इंचार्ज, इनको अभी हम लोग लिख रहे हैं तुरंत। इनकी कंप्लेन एक लिखो जरा और उनको फोन लगाओ जरा आपसे। अभी हम दिखवा रहे हैं आपका नंबर दिया गया तो ऐसा क्यों है, इन्होंने पैसा क्यों ज्यादा मांगा जी? अभी हम बात कर रहे हैं आपके नंबर पे, फिर से फोन डायल कर रहे हैं। जरूर सर, जरूर हम वेट करेंगे सर। धन्यवाद। तो ये थे, मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत, लेकिन मेरा क्या दोष था? इस पर चलने वाले किसी भी आम नागरिक का क्या दोष था? हम लोग टोल देकर इससे जा रहे हैं, इनको गाड़ी पंक्चर होती है तो इनको इमरजेंसी नहीं लगती है, कोई मर जाता तो ये तब भी सूचना नहीं देते, सूचना नहीं दी गई। अब सूचना देने वाला दोष, ना देने वाला दोषी है या सूचना ना पाने वाला दोषी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, बस मैं इतना जानता हूं।